नवंबर माह में आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। 3 नवंबर चंडीगढ़, 4 नवंबर दिल्ली, 5 नवंबर जयपुर, 22 व 23 नवंबर अहमदाबाद, 24 नवंबर मुंबई, 26 व 27 नवंबर जोधपुर। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें 9529020222। मेरे बहुत प्रिय, बहुत अजीज और बुद्धिजीवी साथियों, साथियों जिस प्रकार से आपने हमारे इस कार्यक्रम को अपना स्नेह, अपना प्रेम भरपूर दिया है, मैं बिल्कुल तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम, इस आर्य सत्य की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मेरे ऊपर भी नवीन से नवीन शोध और विश्वसनीय शोध करने की जिम्मेदारी बढ़ रही है और मैं वादा करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। साथियों, यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे स्तर की नौकरी करते हैं या बड़े से बड़े स्तर की नौकरी करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप निजी क्षेत्र की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो अफसर, आपके जो बॉस हैं, आपके ऊपर जो अधिकारी हैं, वो आपका शोषण कर रहे हैं, जो शोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। आज मैं नौकरी पेशा व्यक्ति जो जो अपने बॉस से, अपने अधिकारी से पीड़ित हैं, उनके लिए एक बहुत ही शोधपरक और बहुत ही असरकारी उपाय, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिकता के आधार पर है, कसौटी पर कसा हुआ है, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस पर चर्चा करें, इससे पहले 2 बेहद ज़रूरी सूचनाएं हैं आपके लिए साथियों। एक तो अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। और ये जो प्रश्न है, ये हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, बहुत जल्द, मुझे लगता है कि आप शायद मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि मैं कई दिनों से इसका जिक्र तो कर रहा हूँ, परंतु वो श्रृंखला जो है वो रिसर्च के कारण थोड़ी सी डिले हो रही है। बहुत जल्द हम शादीशुदा जोड़ों के लिए, जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है, और आप विश्वास मानिए कि यदि किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, तो वो 7 एपिसोडों की हमारी श्रृंखला बिल्कुल भी आप मिस मत करिए, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी दाम्पत्य जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान वहाँ पर अवश्य मिलेगा। साथियों, कुंडली विश्लेषण के दौर में और भारत भ्रमण के दौर में नौकरी पेशा वर्ग मुझसे मिलने आता है। हद तो तब हो गई, एक बॉस ने अपने कर्मचारी को इतना परेशान कर दिया कि उसको नौकरी छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। उसके कार्यों को अनदेखा कर दिया जाता था। वो बहुत मेहनत और लगन से ऑफिस में अपना कार्य करता था, परंतु उसके कार्य का जो क्रेडिट है वो उसका बॉस उठा लेता था। उसको बदनाम करने, उसको अपमानित करने का कोई भी मौका उसका जो बॉस है वो छोड़ता नहीं था। जब भी ऐसी कोई, चाहे वेतन वृद्धि की बात हो या प्रमोशन की बात हो, उसमें कोई ना कोई अड़ंगा उसका बॉस डाल दिया करता था। उसको हमेशा कम जिम्मेदारी का कार्य दिया जाता था और कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, और ऑफिस की राजनीति के कारण वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया था। तब मैंने उसको ये उपाय बताया था, और उसके अलावा भी हजारों लोग मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक न केवल इस उपाय को सुनिए, बल्कि इससे लाभ भी अवश्य उठाइए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों तक इसको पहुँचाएँ जो अपने बॉस से पीड़ित हैं। साथियों, सबसे पहले आता है दिन का चयन आपको कैसे करना है। अपने घर में आपके कैलेंडर रखा होगा, उस कैलेंडर को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं अश्विनी नक्षत्र। जब भी अश्विनी नक्षत्र आता है तब आपको ये उपाय करना है। हाँ,
रविवार को भी ये उपाय किया जा सकता है, परंतु सर्वोत्तम इसकी विधि, सर्वोत्तम इसका असर अश्विनी नक्षत्र के दिन मिलेगा। साथियों, अश्विनी जो है वो अश्व अर्थात घोड़ा, हॉर्स से बना है, और ये अपने आप में ऊर्जा का, विजय का, जीत का प्रतीक है। इसलिए इस नक्षत्र के दिन आपको ये प्रयोग करना है। आपको किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले आपको चाहिए कुमकुम, जो कि लाल रंग का हो, और लाल रंग अपने आप में आकर्षण का प्रतीक है। जहां कहीं पर भी हमें अपने आसपास लाल रंग नजर आता है, वो हमारी नजरों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कुमकुम आपको लेना है, उसमें आपको लाल चंदन मिश्रण करना है। लाल चंदन जिस प्रकार से अपनी आभा चारों तरफ बरसाता है, अपनी खुशबू से पूरे आसपास के अपने क्षेत्र को वो एक तरीके से हम कहें तो खुशबू से भर देता है और प्रसन्न चित्त कर देता है, तो लाल चंदन आपको चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए कपूर, ये भी फैलने का, वृद्धि का और विस्तार का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए तुलसी की पत्तियां, जो कि 3, 5 या 7 की संख्या में आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको चाहिए गाय का दूध। मैं रिपीट कर देता हूं, कुमकुम, लाल चंदन, कपूर, तुलसी की पत्तियां और गाय का दूध, ये सब एकत्रित करके आप इसको, इसका मिश्रण पीस करके तैयार करके रखिए, और ये अश्विनी नक्षत्र वाले दिन आपको करना है। उसको आप सुरक्षित अपने पास में रख लीजिए। अब जब कभी भी आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, या आपको अपनी तरफ से अपने बॉस को प्रभावित करना है, या अपनी कोई बात मनवानी है, उस दिन आपको इस मिश्रण का टीका लगा करके, इस मिश्रण का तिलक लगा करके जाना है। सुबह आप उठिए, मिश्रण को आप पूजा स्थान पर स्थापित कीजिए, और उसके समक्ष बैठ करके जो मैं अब आपको मंत्र बोल रहा हूँ, उसका 9 बार इस मंत्र का केवल जाप करना है, अधिक जाप की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमो, सर्व जगत वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, और तत्पश्चात आप उसका तिलक धारण करके और ऑफिस जाइए। यदि आपकी मीटिंग है तो आप उस मीटिंग में अपना 100% देंगे और आपको मेहनत का सफल भी मिलेगा। किसी भी प्रकार के आपके चाहे सहकर्मी हो, और ख़ास तौर पर आपके बॉस, वो आपकी बात बिल्कुल नकार नहीं सकते। ये एक रामबाण इलाज मैंने आपको बताया है, उपाय मैंने बताया है, इसको आप अवश्य काम में लीजिए साथियों, ये चमत्कारिक और असरकारी उपाय है। अब हम बढ़ते हैं साथियों आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रामू लखानी जी का, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं। रामू जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया है, थोड़ी सी उसमें नकारात्मक कुछ चीज़ें सामने आई है। एक तो विवाह में बहुत 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 अधिक देरी, और इसके साथ ही वैवाहिक संबंधों का खराब होना, ये आप चीज़ लिख लीजिए। समस्या जहाँ पर है, तो एक सुखद खबर भी आपके लिए है कि अगस्त 2019 से पहले पहले विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, और यदि इस समय को हम चूक जाते हैं तो फिर रामू जी, मुझे थोड़ा सा निराशाजनक शब्दों में आपको कहना पड़ेगा कि सीधा फिर अगले जन्म में ही हमारा विवाह हो पाएगा। कारण यह है कि अभी आपको सप्तमेश की दशा चल रही है। गुरु, जो कि कारक होता है विवाह का, वो सप्तम भाव को देख रहा है और उसका अंतर भी चल रहा है, इसलिए ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आप तलाश जारी रखिए, तेज़ी के साथ में जारी रखिए। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक अपना मनपसंद और सुखद जीवन साथी प्रदान करे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। यकीन मानिए कि बहुत ही अधिक विश्वसनीय और ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देंगे, लाने का मैं आपसे वादा करता हूँ। आप स्वस्थ व समृद्ध बने, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त ना हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।